आपको क्या लगता है, क्या भाजपा उसे एनडीए में आने देगी? नीतीश कुमार की मजबूरी चाहे जो भी हो, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं। चिंता कांग्रेस करे जिसका आरजेडी एक ही सांसद नहीं, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा उस पर ज्ञान देता है। याद रखना, जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर आधी आधी सीट बांट लेंगे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के सदस्य दिल्ली में व्यस्त रहे, उधर राजधानी पटना में जेडीयू के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव रहे प्रगति मेहता और लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव रहे त्रिभुवन कुमार निषाद ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू, राजद और लोजपा के सैकड़ों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी लोगों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, अब बिहार को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से भाजपा को सहयोग देने की अपील की। ध्यान रहे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में विपक्षी दलों को एक साथ लाने और जातिगत जनगणना की मांग की अगुवाई करने में उनकी भूमिका की सराहना की गई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता व मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सम्राट ने साफ लहजे में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार में कीचड़ फैलाया और अब नीतीश कुमार 18 साल से कीचड़ फैला कर रखे हैं, अब इसी कीचड़ में आप लोगों के सहयोग से कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने वालों का जेल जाना तय है। भाजपा की सरकार बिहार में लाइए बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया से मुक्ति भाजपा की सरकार देगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा अपराध मुक्त बिहार बनाने का कार्य करेगी, यह भाजपा की गारंटी है कि अपराधी या उसका पिंडदान गया में कर दिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजद के प्रमुख अपनी पत्नी, बेटा, बेटी को आरक्षण देने का काम करते हैं, यही उनका आरक्षण का मॉडल है, जो अपने घर की चिंता करता है, समाज नहीं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद से मिलकर जेडीयू को तोड़ने में लगे लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने की हमारी भविष्यवाणी सप्ताह भर के भीतर सच हुई, लेकिन यह खेल की शुरुआत है, अंत नहीं, पार्टी का टूटना तय है। उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह को हटाए जाने पर जेडीयू कार्यालय में मिठाइयां बांटकर और पटाखे छोड़कर कार्यकर्ताओं ने ऐसी खुशी मनाई जैसे उन्हें किसी गलत आदमी से मुक्ति मिली हो, जो बिहार को भाजपा मुक्त करने के बड़बोले दावे कर रहे थे, पार्टी ने उन्हें ही मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के भीतर दो गुट बन चुके हैं, एक हेमा लालू समर्थक है जिसके 12 से ज्यादा विधायकों को लल्लन सिंह अपने पीछे खड़ा कर चुके थे, दूसरा गुट भाजपा के प्रति सद्भाव रखता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।